बात और, आप 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 18 वाट, 20 वाट, 25 वाट और 75 वाट, 65 वाट के डाटा केबल्स पे आप मत जाइएगा। ये डाटा केबल बिल्कुल ही रद्द होते हैं। दोस्तों, इस दौर में जितना आदमी मोबाइल से परेशान नहीं है, उतना आदमी परेशान है इस डाटा केबल से। हम बात करेंगे डाटा केबल के बारे में। डाटा केबल्स आपको कौन सा खरीदना चाहिए जिससे आपका डाटा केबल बहुत ही अच्छा चले। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं डाटा केबल्स की पहचान की वजह से। इस वीडियो में हम पूरे 5 साल का अनुभव आपको बताएंगे कि कौन से डाटा केबल्स आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, जो आपका डाटा केबल टिकाऊ चलेगा, पूरे 1 साल तक के लिए चलेगा, जो कि कोई भी यूट्यूब पे वीडियो ऐसा नहीं बनाया है। ज़्यादा परेशानी आज तक डाटा केबल से होता जा रहा है। डाटा केबल दुकान से खरीदते हैं, जाते हैं और ख़राब हो जाता है। इस कंडीशंस में हम आपको 2 डाटा केबल्स की पहचान कराते हैं, जो कि बहुत बेस्ट डाटा केबल्स है। लेकिन ध्यान से देखेंगे इस डाटा केबल्स की। ये है 18 वाट्स का KDM का डाटा केबल्स। कोई भी कंपनी हो, 18 वाट लिखा है और इस पे 65 वाट लिखा है। इसकी सच्चाई हम जानेंगे। 65 वाट वरुण धवन जी प्रचार की है। देखिए, ये 65 वाट का डाटा केबल कितनी जो है मोटा है, ठीक है। लेकिन ये डाटा केबल बिल्कुल रद्द है, बिल्कुल बेकार ये डाटा केबल है। और ये डाटा केबल जो 18 वाट का सिर्फ डाटा केबल है, ये डाटा केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कैसे पहचान करना है कि कौन सा डाटा केबल बेकार आपके लिए पड़ेगा, कौन से प्राइस का डाटा केबल बेकार पड़ता है, कौन सी प्राइस का डाटा केबल अच्छा पड़ता है, क्योंकि हम सभी प्राइस के बारे में जानते हैं, हमको कितने के मिलता है, कितने के बेचते हैं, कौन अच्छा पड़ता है। दोस्तों, हम बात करते हैं डाटा केबल्स की बेस्ट क्वालिटी के बारे में। तो आप कभी भी ऐसा डाटा केबल ना खरीदें जो कि मात्र मार्केट में 50 से 60 रुपये और 40 रुपये के बीच में मिल जाता है। ये डाटा केबल्स के मार्केट में गारंटी भी दिया जाता है 5 महीने 6 महीने की। इससे आपके मोबाइल पे प्रभाव भी पड़ता है और ये डाटा केबल बिल्कुल बिल्कुल 1 हफ्ते जाते जाते टोएं बोल जाता है। टोएं जिसे बोलते हैं, टोएं बोल जाता है। ये डाटा केबल की क्वालिटी ही नहीं है, इसके वायर में क्वालिटी ही नहीं है जो आपके फ़ोन को चार्ज कर पाए, स्पीड दे पाए, बेकार चली जाती है। और ये डाटा केबल आता है 18 वाट का, जो मार्केट में आपको 80 से 100 रुपये के बीच मिलता है, इसका भी गारंटी रहता है। लेकिन ये डाटा केबल आप खरीद सकते हैं। ये डाटा केबल 80 से 100 रुपये का मार्केट में मिलेगा 18 वाट का। इस डाटा केबल को आप खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी वायर जो है बेस्ट पड़ती है। तो ये डाटा केबल आपका चलेगा केवल 5 से 6 महीने तक। 5 से 6 महीने के बाद ये भी डाटा केबल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं 1 साल चलने वाले डाटा केबल्स के बारे में। तो यहाँ पे डाटा केबल्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये जो हमने बताया 18 वाट का डाटा केबल्स, इस केबल्स की कुछ पहचान होती है। जो केबल्स जो है, आप ओरिजिनल चार्जर देखे होंगे, आप जैसा ओरिजिनल चार्जर्स देखे हैं, ओरिजिनल चार्जर्स में जितने भी डाटा केबल आती है, वीवो कंपनी, रियलमी कंपनी, उसके डाटा केबल्स बहुत पतील वायर में होते हैं, पतला वायर में होते हैं, आपको पता होगा। तो उस पतला वायर के डाटा केबल्स को आपको क्या करना है, उस पतला वायर्स का है जैसा है डाटा केबल्स आपको मार्केट से ख़रीदना। या ये डाटा केबल्स आपको 150 रुपये के मिले या 100 रुपये के मिले, खरीद सकते हैं। ये डाटा केबल टिकाऊ होता है। बाकी उसके नीचे के जितने भी डाटा केबल होती है गारंटी के अनुसार या कम पैसे में 40, 50, 60, 80, वो सब डाटा केबल्स आपका 1 महीने 2 महीने या 10-15 दिन के बाद स्पीड कम कर देती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो डाटा केबल्स की बेस्ट पहचान है, आप वायर देखिएगा अपने ओरिजिनल जैसा, ओरिजिनल जैसा आपका वायर मिलेगा तो इस डाटा केबल को 100 से 150 रुपये में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल तक डाटा केबल्स आपका टिक कर चलेगा। इस वीडियो को लोगों में शेयर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुभव आपको दे रहा हूँ। आपकी इससे फ़ोन भी ख़राब नहीं होती है, अब आपकी वायर और डाटा केबल्स की क्वालिटी अच्छा होने की वजह से टिक कर चलता है। यही खासियत है, बाकी आपके ऊपर निर्भर है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।